नमस्कार। आप सब कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस और कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की थ्योरी से अच्छी तरह से परिचित होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल करके समझेंगे कि फोकस बिंदु क्या होता है और फोकस दूरी क्या होती है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग या अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, इसी प्रकार कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। इस प्रैक्टिकल को हम लाइट बॉक्स में अलग अलग स्लिट को लगाकर करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है उसे हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, यानी जो उत्तल लेंस है उसे हम अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। कन्वर्ज करना या अभिसार करना यानी उसको एक पॉइंट पर मिलाना होता है। यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक लाइट सोर्स लिया है, यहाँ से रेज निकल रही है और आगे मैंने इसके कॉन्वेक्स लेंस रखा है। कॉन्वेक्स लेंस यानी ऐसा लेंस जो बीच में उभरा हुआ होता है, मोटा होता है और किनारे की तरफ पतला होता है। अब जो यहाँ पर रेज ऑफ इंसिडेंस है वो जब इस लेंस पर पड़ रही है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि रिफ्रैक्ट होके वो एक पॉइंट पर मिल रही हैं यानी कन्वर्ज हो रही हैं, इसीलिए इस लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और ये पॉइंट जहां पर ये जो रेज हैं ये आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसे हम फोकस बिंदु या फोकस पॉइंट कहते हैं, इसका फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस और जो प्रकाशिक केंद्र होता है यानी जो ऑप्टिकल सेंटर होता है के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। इसी कन्वर्जिंग के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए आइए अब हम यहाँ पर दो रेज की जगह तीन रेज लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब ये यहाँ पर मैंने जो स्लिट लगाई उससे आपकी थ्री रेज निकल रही है और इस लेंस पर पड़ रही है। उसके बाद जब रिफ्रैक्शन के बाद ये बाहर निकल रही हैं, तो ये देखिए यहाँ पर शायद आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा, इस पॉइंट पर मिल रही हैं। इस पॉइंट को ही हम इस लेंस का फोकस बिंदु कहेंगे या फोकस पॉइंट कहेंगे या फोकस कहेंगे। बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे हर लेंस के दो फोकस होते हैं, लेकिन उन्हें हम बाद में सीखेंगे। अभी यहाँ पर हम कन्वर्जिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आइए एक बार और हम इसमें एक दूसरी स्लिट लगाकर देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये यहाँ पर अब मैंने जो स्लिट लगाई है उससे फोर रेज बाहर निकल रही हैं। जो ये किरणें हैं ये जब इस लेंस पर आपतित हो रही हैं, यानी इस लेंस पर पड़ रही हैं, उसके बाद इनका अपवर्तन हो रहा है और ये जो है फिर से एक पॉइंट पर अपवर्तन के पश्चात मिल रही है, रिफ्रेक्शन के पश्चात मिल रही हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये किरणें मिल रही हैं, वो इस लेंस का फोकस पॉइंट है, फोकस है। आइए अब हम एक दूसरा लेंस रखते हैं जिसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। फिर क्या होता है वो हम देखते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर जब मैंने लेंस बदला है और यहाँ पर मैंने अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस रखा है, तो इन ये जो किरणें हैं ये मिल नहीं रही हैं, ये जो रेज हैं ये रिफ्रेक्शन के पश्चात मिल नहीं रही हैं, बल्कि ये फैल रही हैं, दूर दूर हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब रेज जो हैं वो कॉनकेव लेंस पर पड़ती हैं, तो वो जो मेन एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, उससे दूर की तरफ चली जाती है। जो लाइट सोर्स है यहाँ से जब ये आप फोर आपकी रेज निकल रही हैं और यहाँ पर ये कॉनकेव लेंस पर पड़ रही हैं, उसके बाद ये अपने पाथ से रिफ्रेक्शन के बाद डाइवर्ट हो रही हैं, इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो लाइट को डाइवर्ट करता है, यानी इसी को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। आइए एक बार चार को हटाकर हम तीन रेज के द्वारा भी इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर लाइट सोर्स है उसमें ऐसी स्लिट लगाई जिससे तीन रेज आपकी निकल रही हैं और ये लेंस पर पड़ रही हैं। अब आगे देखिए तो ये यहाँ पर डाइवर्ज हो रही हैं। अब अगर ये जो रेज हैं ये आपको
डाइवर्ज होती दिख रही हैं, अगर हम इनको वापस पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये जिस भी पॉइंट पर मिलेंगी वो जो पॉइंट बनेगा वो इस कॉनकेव लेंस का आपका फोकस पॉइंट होगा। मुख्य फोकस और जो प्रकाशिक केंद्र होता है यानी जो ऑप्टिकल सेंटर होता है के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। चूंकि फोकस लेंस के पीछे की तरफ बन रहा है इसीलिए जो इसकी फोकल लेंथ हम नापते हैं, जो फोकस दूरी नापते हैं वो हम माइनस में या ऋणात्मक नापते हैं। आइए अब यहाँ पर हम तीन के स्थान पर दो वाली स्लिट रखते हैं जिससे दो रेज निकलेंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर से देखिए, फिर से वही कॉन्सेप्ट, जो आपकी रेज हैं, जो इस लेंस पर आपतित हो रही हैं, जो रेज ऑफ इंसिडेंट हैं, वो जब लेंस से बाहर निकल रही हैं, रिफ्रेक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद, तो वो फिर से फैल रही हैं। अब शायद आप ठीक से समझ गए होंगे कि जो कॉनकेव लेंस है, जो अवतल लेंस है, उसे हम डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। फिर से अगर जो ये दो डाइवर्टेड लाइन है आपकी, जो अपवर्तित किरणें हैं, इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं, ये जहां पर मिलेंगी उस बिंदु को हम फोकस कहेंगे। इस वीडियो में हमने प्रैक्टिकल करके समझा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहलाता है। साथ ही साथ हमने कॉन्वेक्स लेंस के फोकस बिंदु को भी समझा। इसी तरीके से हमने कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है यह जाना, और हमने ये भी देखा कि जो कॉनकेव लेंस है उसका फोकस बिंदु निगेटिव क्यों होता है। आई होप दिस हैज हेल्प्ड यू। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।